So here is the deal. INR is touching 80 rupees per dollar, like all-time high. Unemployment rate is now 45 years high. We are paying 5% taxes on daily essential goods. And India ka youth, kisko lege tension mein hai? Kaun si topic mein charcha chal raha hai? रणवीर सिंह का न्यूड फोटोशूट पे मेरा मुंह में अभी लिटरली मिर्जापुर का मुन्ना भाई का डायलॉग आ रहा है. यू गाइस कैन इमेजिन इट. आई डोंट वांट टू से इट लाउड एंड क्लियर बट आई होप यू नो व्हाट आई मीन टू से. क्यों टॉपिक इतना बुरा है पता है? सिंस 45 इयर्स हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट, लोगों के पास जॉब नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है, तो क्या करेगा? यही करेगा ना. सो नाउ आज के वीडियो में आई एम गोना डिस्कस टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द लास्ट एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच विल बी अबाउट आवर INR. लास्ट दो तीन वीडियो पहले मैंने बोला था INR के बारे में, अगर किसी को अगर जानना है व्हाई INR इज लूजिंग, विच वी ऑल नो, बिकॉज द सप्लाई rate is way more higher than the demand. That is what is the general definition why INR is falling against USA. So our government is like they don't care about the supply, but they definitely they should care about the demand. उसके बारे में मैं वीडियो के एंड पे बात करूंगा कि हाउ INR कैन रिकवर इट्स वैल्यू, और लाइक हाउ इंडिया इज प्लानिंग टू रिकवर INR's वैल्यू इन फॉरेन मार्केट. दैट वुड बी द मेन टॉपिक, जस्ट वेट फॉर इट. बट बिफोर दैट आई वांट टू शो अ वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट ऑफ रिसेशन. लाइक दिस विल बी द एंड रिजल्ट, लाइक इसके ऊपर और कोई बातें हो ही नहीं सकता है. इफ देयर इज एनी anyone who is still like thinking whether there is a recession or whether there will be a recession or why our market is falling and how far it can fall, like whatever the question we will be getting answer in this first part of this video. So hey guys, this is Dev, welcome back to Bitbull. Hope you all are doing well and good. Aaj ka video bahut important video hai. So far agar aapko acha laga hai, make sure you like this video, share this video with your friends and family, be a part of our Twitter and Telegram handle, iska link video description पे मिल जाएगा. सो हियर वी गो, लेट्स गेट डीपर. Now just focus in this chart, Treasury yield, United States rates and bond. Now why is this Treasury yield is so important to predict recession? And United States GDP ka rise and fall is so important for all of us, you know, to predict whether our country is doing well or what is going to happen with our country. So now, ye jo Treasury yield hai, matlab jo hum log government ke paas se jo बॉन्ड खरीदते हैं, ऐसे बोला जाता है ट्रेजरी येल्ड का जो परसेंटेज रेट है, इंटरेस्ट रेट है, विच इज वायल्ड. आपको जितना भी पैसा इन्वेस्ट करना है उसका लॉन्ग टर्म में 3%, 4%, 5% मिल जाए तो क्या ही कहना. मतलब ऐसे सोच लो कि जितना इन्फ्लेशन रेट रहेगा उससे आधा ही मिलेगा आपको. अभी का रिसेंट इन्फ्लेशन रेट इज 9.1%, और उससे बहुत ही कम, बहुत ही वायल्ड, बहुत ही चीप इन लोगों का ट्रेजरी का इंटरेस्ट रेट है, मतलब ये किसी भी कंट्री पे. So now, the theoretically, अगर yield curve inverted है, inverted है मतलब एक chart ले लो, chart पे x axis and the y axis. Let's say x axis is the horizontal and y axis is the vertical. So now, the treasury bonds looks like, let's say from the bottom, x axis and y axis we have. Now y axis पे, let's start from 1, 2, 3, 4. ये सब है percentage of yield. So now let's say अगर treasury bond का जो line है, जो curve है, वो ऊपर की तरफ है. Let's say आपने 3 महीने का एक bond खरीदे, 1 साल का, 5 साल का and 10 साल का. So ये रहा 10 साल का, ये रहा 3, ये रहा 2, ये रहा 3 महीने का. So now the general idea is from this curve. 3 महीने का जो bond खरीदे हो आपका, उसपे 1% अगर आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है, देन द इकोनॉमी इज ग्रोइंग. आपके पैसा आप ट्रेजरी पे इन्वेस्ट ना करके, सरकार के खाते में इन्वेस्ट ना करके, आप कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे? आप स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करोगे, आप बिटकॉइन पे इन्वेस्ट करोगे, मतलब जितना भी एसेट है जिसपे हम लोगों को प्रॉफिट ज्यादा मिलता है, हम सब जाके उधर इन्वेस्ट करेंगे.
सो नाउ लेट्स से स्टॉक मार्केट अभी 25% डाउन है, बिटकॉइन अभी 80% डाउन है, तो इस मूवमेंट पे क्या होगा? इस मूवमेंट पे जो होगा, स्टॉक मार्केट का पैसा है वो स्टॉक मार्केट से निकाल के ये ट्रेजरी बॉन्ड में फिर से वापस आएगा। तो ये वापस आने के बाद ये कैसे दिखाई देगा? अगेन वी स्टिल हैव द सेम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सेम परसेंटेज लाइक 1, 2, 3, 4, लाइक 3 months, 1, 5 and 10 years. Now this time, since जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो स्टॉक से निकल के बॉन्ड पे आ गया है, सो इसका मतलब क्या होगा? सरकार के खाते में पैसा बहुत ज्यादा रहेगा एंड जो यील्ड कर्व होगा वो उल्टा होगा। इंस्टेड ऑफ गोइंग अपवर्ड दिस विल बी डाउनवर्ड। मतलब जो 3 महीने का है उसका अभी परसेंटेज ऑफ रिटर्न रहेगा 4, 1 साल का 3, 5 साल का 2 एंड 10 साल का 1%। इस पे ये जो एक कर्व है इसको हम बोलते हैं इन्वर्ट yield curve, and जब ये curve नीचे की तरफ आ रहा है, that means we are in a recession or we are about to dive into a recession. That is how it works since last 50 years. And last 50 सालों में ये जो prediction है against yield curve, this has been totally true. Now just look at this, what do we have here, treasury yield, 3 months का जो bond है, उसका जो percentage of return है, yield है, 1 महीने का +63 BPS या फिर कुछ होगा, वो up है, 1 year का 232 BPS up है, same way अगर नीचे के तरफ आओ, 2 years का -27% and 5 years का -55 BPS, मतलब 5 इयर्स का जो 0.5 के गिरा है एंड 2 इयर्स का जो 0.2% गिरा है, जबकि 3 मंथ्स का 0.6% अप है। तो जैसे कि मैंने बोला, यील्ड कर्व में अगर 3 महीने का जो इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा है कंपेयर टू 2 इयर्स एंड 5 इयर्स और लेट्स से 10 इयर्स, इट मींस आइदर वी आर इन अ रिसेशन और वी आर डाइव इनटू अ रिसेशन। कुछ भी है, दिस इज द एंड स्टेटमेंट ऑफ रिसेशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। इससे आसान तरीके से अगर नहीं हुआ तो फिर बोलना, फिर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल लेंगे, बट आई होप आई मेड ऑल ऑफ यू गाइज अंडरस्टूड। Now this time recession will be a very different kind of recession. क्योंकि recession के time पे जो unemployment rate है वो नीचे की तरफ आता है, लेकिन इस time पे unemployment rate ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि COVID के time पे जो labor shortages हुआ था, ये COVID के time पे जितना लोग भी काम करने के लिए शहर पे आते हैं गांव छोड़ के, वो लोग फिर से गांव वापस चला गया है। They started their own thing or they started helping their family business or something. इसके चलते job का shortages नहीं है, job बहुत ही ज्यादा इन्फ्लेटेड है, जॉब मार्केट में भर भर के पड़ा है, जॉब के लिए लेबर नहीं मिल रहा है, और यूएस में लेबर बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है कंपेयर टू इंडिया का। यूएस का एक लेबर का पेमेंट इंडिया का 50 लेबर का पेमेंट इक्वल है। यूएस में लेबर बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो इस बार का जो रिसेशन होगा वो बहुत ही अलग, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा होगा। व्हाट एवर इट इज, हम लोगों को बस क्या गेन करना है, इधर से एक्सपीरियंस गेन करना है, नॉलेज गेन करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम हम लोग इससे कई टाइम पहले से ये रिसेशन टैकल करने के लिए रेडी रहे। सो नाउ ये जो इन्फ्लेशन रेट है, ये जो पैंडेमिक है, ये जो पेट्रोल डीजल का प्राइस ऊपर है, ये सब कुछ के बीच में एक नाम मुंह पे आई जाता है, विच इज द रशिया एंड यूक्रेन इन्वेजन। दो रशिया एंड यूक्रेन इन्वेजन के चलते ना ही रिसेशन हुआ है ना ही इन्फ्लेशन रेट अप हुआ है, बट स्टिल सिंस द गैस प्राइस इज अप, लाइक द एनर्जी प्राइस इज अप, पेट्रोल प्राइस इज अप, इसके चलते रशिया एंड यूक्रेन का एक बात आ ही जाता है। नाउ सिंस रशिया एंड यूक्रेन का ये जो लड़ाई है, इसके चलते पेट्रोल का प्राइस जो ऊपर गया है एंड इसके चलते रशिया पे जो सैंक्शन लगा है फ्रॉम स्विफ्ट बाय यूएस एंड यूरोप, इसके चलते इंडिया के सामने एक नया डोर ओपन हुआ है टू स्टेबलाइज आवर INR। नाउ व्हाट इज द डोर, जो स्विफ्ट सिस्टम है उस सिस्टम के चलते, मतलब वही सिस्टम यूज करके, वही पेमेंट सिस्टम यूज करके इंडिया पहले पेट्रोल एंड अदर कमोडिटीज के लिए इंडिया जितना भी पेमेंट किया करता था रशिया को, इंडिया वही स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम यूज करता था।
Now, Russia has been banned from that SWIFT system. But India ko to Russia se business karna hoga na, kyunki Russia is one of the best friend of India. And Russia se jitna bhi saman India pe aata hai, agar Russia ke saath hum log business na kare, India ka abhi hum log jitna tax pay karte, uska dugna zyada tax pay karna padega. Jitna paisa hum chawal and maida khareedne mein abhi pay karte hai, uska 10 guna zyada pay karna padega. And petrol, diesel ka price to chhod hi do. So ye wala cheez ko, ye wala jo payment system hai, usko stabilize karne ke liye, India ek naya system open kiya hai, jiske chalte Russia and India, जब दोनों में business करेगा, they will deal with INR and Russian ruble instead of dealing with dollar. तो अभी क्या होगा? Instead of dollar, Russia के पास एक बहुत बड़े मात्रा में INR रहेगा. Same way, India के पास एक बहुत बड़े मात्रा में Russian ruble रहेगा. तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग US को bypass करके, US dollar को bypass करके We are making our INR more demanding to Russia. इसका और डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन हो सकता है, लेकिन मैं इस वीडियो को और ज्यादा बढ़ा नहीं सकता हूँ. आप लोग बोर फील करोगे. तो ये वाला जो टॉपिक है, इसका आधा टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जोड़ने वाला हूँ. आइदर सैटरडे और संडे कोई एक वीडियो में डालूंगा. मेक श्योर ट्यून इन टू माई चैनल फॉर दैट पर्टिकुलर फॉर रेस्ट ऑफ दिस पार्ट. एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, एंड इसका प्रोज एंड कॉन्स भी बताऊंगा, एंड इसके चलते इंडिया का क्या क्या हो सकता है, क्या क्या फेस कर सकते हैं इंडिया, सब कुछ बताऊंगा. इंडिया का रोड मैप एंड हाउ वन INR इज इक्वल्स टू वन डॉलर. ये बहुत ही ऐसे साउंड हो रहा है कि वन डॉलर इक्वल्स टू वन शिबा कॉइन, ऐसा नहीं हो सकता है, बट स्टिल इट इज पॉसिबल. आई हैव अ रोड मैप टू शो ऑल ऑफ यू. मेक श्योर यू गाइज ट्यून इन टू दिस चैनल फॉर द सेकेंड पार्ट. थैंक यू फॉर स्टेइंग दिस लॉन्ग एंड लिसनिंग टू माई बक बक. इफ यू हैव गेन्ड सम नॉलेज, सम वैल्यू आउट ऑफ दिस वीडियो, मेक श्योर यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइबिंग दिस चैनल. बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ. टिल देन टेक केयर. देव साइनिंग ऑफ.